नौगावा थाना क्षेत्र के गांव उस्मापुर के रहने वाले युवक ने ग्राम प्रधान व उनके परिवार के लोगों पर लगाए जान से मारने के आरोप। बता दें कि नौगावा थाना क्षेत्र के गांव उस्मापुर के रहने वाले हुसैन हैदर ने शनिवार को थाने में तहरीर देकर कहा है कि जब वे टहलने के लिए निकले थे तो गांव के ग्राम प्रधान में उनके परिवार के लोगों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम भैया आपका? हुसैन हैदर नाम है भैया मेरा। किस गाँव का रहने वाले हो? उस्मापुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, थाने आए थे आप, क्या मामला था? मैं थाना इंस्पेक्टर साहब से लिखित तहरीर देने आया हूँ। आज सुबह मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे 21 अक्टूबर को हार्ट हुआ है। मैं सुबह टहलने निकला था, समय करीब 6:40 पे जब मैं टहल के वापस आ रहा था तो मेरे गांव के जो ग्राम प्रधान हैं श्रीमती अमीर बानू, वो और उनके भाई रईस हैदर, पुत्र ताहिर हुसैन, उनके पति रिजवान हैदर और अन्य भतीजे वगैरह मुझे रास्ता रोक के उन्होंने धमकाया, गाली गलौज करी कि तुझे निपटा देंगे, तुझे जान से मार देंगे, तू मुकदमों का जो तुझ पे हमने जो मुकदमे कर रखे हैं उनका पीछा छोड़ दे, ना तो तुझे निपटा देंगे, तेरे घर पे बर्बाद कर देंगे, तुझ पे फर्जी मुकदमे लगवा देंगे, हरिजन एक्ट लगवा देंगे। हैं लड़की का? अच्छा, इससे पहले जो आपका विवाह चल रहा है, उससे पहले कुछ? हाँ हाँ, हमारा इससे जो है पुरानी रंजिश, ज़मीनों की रंजिश चल रही है। अच्छा। और इस वजह से ये एक अवैध तालाब पर कब्जा कर रहा है, इसको ब्लॉक वाले रोक रहे हैं और तहसीलदार DM साहब SDM साहब रोक रहे हैं, ये मुझ पर शक कर रहा है। लेकिन वो अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण को लेके इसका विवाद बढ़ा ही गया, तो हमारी ये निर्माण नहीं होने दे रहा है। मैं गांव का मैं चाहता हूं कि मेरी दरख्वास्त जो है लिखित हो, प्रयत्न पत्र हो, दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो और वो कब्जा भी मुक्त हो।